अस्सलाम वालेकुम, आप सबको फिलीज किचन में खुश आमदीद। आज मैं अपनी फैमिली की बहुत इसरार पे जो है वो शनवारी कढ़ाई बना रही हूँ। इसके लिए मैंने ली है चिकन। चिकन जो है 1 kg है विद 16 pieces, क्योंकि कढ़ाई के लिए हम लोग 16 pieces यूज करते हैं। और जब भी हम चिकन 1 kg यूज करते हैं तो उसके साथ टोमेटोज का जो कॉम्बिनेशन होता है वो 1/2 kg का होता है। टोमेटोज को हमने इसकी स्किन रिमूव करके और इसको हमने स्लाइस कर लिया है ताकि बाद में उसकी स्किन जो है वो उसके अंदर देखने में बुरी ना लगे। प्लस ये है कि ये लास्ट की गार्निशिंग की चीजें हैं, जैसे कोरिएंडर है इसको चॉप कर लिया है, ग्रीन पेपर्स है ये चॉप की हुई है, जिंजर गार्लिक पेस्ट है इसके अंदर 1-2 teaspoon, जिसके अंदर थोड़ी सी चिली पेस्ट भी मिला हुआ है, ब्लैक पेपर है 1 cup जो है, योगर्ट है इसके अंदर। इसके अंदर जो है ये ड्राई मसाले हैं, जैसे ये है कोरिएंडर है, रोस्टेड कोरिएंडर है और कोर्सली ग्राउंड है। इसी तरीके से क्यूमन पाउडर है, इसको भी हमने जो है वो रोस्ट किया है और उसके बाद इसको हमने कोर्सली ग्राउंड किया है। ये थोड़ी फ्यूनिग्रेक सीड्स वो है लीव्स है जिसको हम मेथी कहते हैं, सूखी हुई मेथी है ये। इसके अंदर हसबे जाएगा नमक जाएगा, प्लस ये कि कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी और इसके अंदर चिकन पाउडर भी जाएगा, क्योंकि चिकन पाउडर थोड़ा सा इसके टेस्ट को एनहांस कर देगा। अब हम अपनी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। ऑयल इसके अंदर जो हम ले रहे हैं वो 1/2 cup ले रहे हैं। अब हम अपनी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हमने पैन रखा जिसको थोड़ा सा प्री हीट कर लिया, और आजकल जो है ये बहुत ज्यादा कॉमन है ये बात कि हमें नॉन स्टिक चीजें यूज नहीं करनी चाहिए, इसलिए मैं स्टील के जो है वो हैवी स्टील बॉटम के पैन यूज कर रही हूँ। इसमें मैंने 1/2 cup ऑयल डाल दिया है, प्लस सबसे पहले हम इसमें सॉल्ट डालेंगे। और नमक आप अपने हसबे जायका डालेंगे, जितनी आपकी फैमिली में पसंद किया जाता है। प्लस ये है कि अगर हम इसमें चिकन डालेंगे, चिकन को हम हल्का सा फ्राई करेंगे, बस कितना इसका कलर चेंज होगा। और इसमें अब हम जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे। शनवारी कढ़ाई की यही बात है कि ये बहुत आसानी से बहुत जल्दी बन जाती है। इनफेक्ट सारी कढ़ाइयां ही बहुत आसानी से और बहुत जल्दी बन जाती हैं। और इसमें अब हम टोमेटो डालेंगे जो कि हमने 1/2 kg दिए थे, इसकी हमने स्किन को पील ऑफ कर दिया है एंड इसको स्लाइस कर दिया है ताकि इसका छिलका जब हम इसको डिश आउट करें तो इसका छिलका नजर ना आए। अब हम अपना फ्लेम थोड़ा सा हाई करेंगे। इसमें अब हम कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे और इसका सिर्फ हम इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च ही डालेंगे और इसको इसके साथ कुक करेंगे। और इसके साथ इस बात हम इसके अंदर कोई और मसाला नहीं डालेंगे टिल कि इसके टोमेटोज जो हैं वो टेंडर हो जाएं। इसको थोड़ी देर हम ढक के पकाएंगे ताकि इसके टोमेटोज और चिकन जो हैं वो दोनों टेंडर हो जाएं, और फिर उसके बाद हम इसके अंदर नेक्स्ट जो भी मसाले हैं, बहुत सादा मसाले हैं इसके अंदर, फिर हम इसके अंदर वो मसाले डालेंगे और फिर हम इसको आपके सामने इसको बताते हैं कि हम क्या करेंगे। तो ये इसको पकते हुए तकरीबन कोई 15 मिनट हो गए हैं, हमें 12 या 15 मिनट हो गए। इसमें अब हम थोड़ी सी तलहारी मिर्च जो होती है वो हम डालेंगे, जो पेपरिका तौर के ऊपर भी इस्तेमाल होती है, प्लस इसके अंदर हम चिकन पाउडर भी डालेंगे। इसको मिक्स करेंगे। अब इसमें थोड़ा कुछ ऑयल कम लग रहा है, हम ऑयल देखेंगे कि कितना है इसके अंदर और उसके बाद एंड में हम इसके अंदर इसको भूनते हुए इसमें ऑयल ऐड कर सकते हैं। इसमें पानी है, इसको थोड़ा इसका फ्लेम तेज करेंगे। जी नाज़रीन, अब आप ये देखें कि इसका जो है पानी काफी हद तक खुश्क हो गया है और टोमेटोज जैसे मैंने आपसे कहा था कि हमने इसकी स्किन
पील ऑफ कर दी है, तो यहाँ कहीं पे भी आपको इसकी स्किन नजर नहीं आ रही होगी, जो बहुत एक अनटाइडी सा लुक देती है, रिंग रिंग से बन जाते हैं, तो वो अच्छा नहीं लगता। अब इस स्टेज पे जो है हम इसमें थोड़ा ऑयल अभी कम है, लेकिन हम ऑयल इसमें बाद में भी डाल सकते हैं एंड में। अब जो मसाले हैं, जैसे हमने इसमें अब डालना था, ये है भुना हुआ कुटा हुआ धनिया, और ये भुना हुआ कुटा हुआ जीरा है, और ये थोड़ी सी सूखी मेथी है। ये सारी चीजें मैं इसमें डाल रही हूँ। असल में जो कढ़ाई का टेस्ट होता है वो इसी चीज से डेवलप होता है, और प्लस ये है कि इसके अंदर जो हमने काली मिर्ची तकरीबन कोई 1 टीस्पून के करीब है ये डाल दी है इसके अंदर, और इसको अब हम जैसे ही भूनेंगे तो ये फौरन थोड़ा थिक हो जाएगा। और इस स्टेज पे अब हम इसके अंदर जो है वो दही ऐड करेंगे। दही मैंने 1 कप के करीब लिया था, ये 1/2 कप से बल्कि थोड़ा ज्यादा है, 3/4 का, लेकिन मैं इसमें पूरा ऐड नहीं करूंगी। और जब भी आप दही डालें तो इसको आप चमचा जो है इसमें फौरन चलाएं, अदरवाइज जो दही है वो कड़ल हो जाता है। तो दही के साथ आपने फौरन इसका जो है वो चमचा चलाना है। और ये देखें कितना अच्छी शक्ल, मुझे इसका ऑयल कम लग रहा था लेकिन इसका ऑयल बिल्कुल मुनासिब है इस वक्त। और इस वक्त हम इसके अंदर अब थोड़ा इसके अंदर इसको भूनेंगे और थोड़ा हरा मसाला डालेंगे। और ये देखें नाज़रीन, ये कितनी खूबसूरत इस वक्त जो है वो चिकन कढ़ाई, शनवारी चिकन कढ़ाई जो है वो तैयार है। इसको आप रायते के साथ, सादे रायते के साथ, जिसमें सिर्फ आप जीरा और काला नमक डाल के और थोड़ा सा वैसे नॉर्मल सॉल्ट डाल के इसको मिक्स करके इसके साथ वो रायता बना सकते हैं। नान के साथ ये बहुत अच्छी लगती है। और अब हमारी कढ़ाई बिल्कुल तैयार है। इसमें आप जो है वो कोयले का स्मोक भी दे सकते हैं ताकि इसका इफेक्ट जो है वो बाहर जैसा आए बिल्कुल। एंड लाइक चले इसको अब हम तो खाएंगे इंशाल्लाह ताला, आप लोग भी अपने घर में बनाइएगा और जरूर इसको ट्राई कीजिएगा। मैं इसका फ्लेम ऑफ कर रही हूं। आई होप कि आप लोगों को ये पसंद आएगी इंशाल्लाह ताला। आप इसको टेस्ट करेंगे तो आपको इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा लगेगा। मेरी फैमिली में इसको सब बहुत पसंद करते हैं, आप लोग भी प्लीज इसको जरूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, जज़ाकअल्लाह।